अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं पब्लिक प्लेस में आया हुआ हूँ। पाकिस्तान इंडिया की जो मैच की विक्ट्री हुई है, पाकिस्तान जीता है, तो उसके अंदर क्या तासुरात पाए जाते हैं, तो आज ये हम एक इंडियन से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसा आप? बिल्कुल ठीक। आप इंडियन हैं? बिल्कुल सर, इंडियन है। इंडिया कहाँ से? मुंबई सर, हैदराबाद। हैदराबाद से। तो आप क्या कहेंगे, जो पाकिस्तान मैच जीता है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो इंडिया से हम मैच जीते हैं, हम लोग इतने खुश हैं, इतनी खुशियां मनाई जा रही हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर ये तो वक्त वक्त की बात है, माशाल्लाह पाकिस्तान ने अच्छा खेला है जी। लेकिन कोई बात नहीं है, पाकिस्तान हमारे पास इतनी सारी ट्रॉफी है, अगर एक आध ट्रॉफी हमने आपको दे दी है तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। नहीं तो ये जो इंडियन कह रहे थे कि पाकिस्तान हमारा बेटा है, इंडिया बाप है, तो इसका इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? क्या ये बात सही थी? देखिए, बाप और बेटे वाली बात तो होती रहती है, हमारे कुछ बड़ों ने इस तरह की बातें की हैं, लेकिन ये है कि आप भी जानते हैं कि इंडिया मजबूत टीम है, ठीक है, और पाकिस्तान जो है उस हमारे इंडिया के सामने बच्चा हल्के में नहीं, बच्चा है। आप यही कहना चाहते हैं कि बच्चा, मगर क्यों? हम तो इस इशू नहीं बना रहे थे ना, तो आपकी तरफ से क्यों बोला गया कि इंडिया पाकिस्तान का बाप है? ये देखिए, बात तो हमारे प्लेयर्स की गलत थी, कुछ की सहवाग भाई जैसे हमारे थे, उन्होंने कुछ बात गलत की थी, बाकी हमारे कुछ ऋषि कपूर हैं। लेकिन अगर आप टीम को देखे जाएँ तो पाकिस्तानी टीम जो है वो अभी थोड़ा अच्छा खेला उन्होंने, तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि उन्होंने अच्छा नहीं करा, लेकिन बस यही बात है। सही। अच्छा अच्छा, जो आमिर भाई ने जो उनको कपूरे जो खिलाए, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? जो ऋषि कपूर का जो कपूरे जो दिलाए, तो उसमें क्या कहेंगे? आपको मज़ा आया उस कपूरे खा के? जितनी देर में आउट हुए उतनी देर में हमारे कपूरे बन चुके थे। देखिए, ऋषि कपूर जी जो है हमारे एक सीनियर एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री में, तो अगर उन्होंने बात बोली है तो उसको माइंड नहीं करें, ठीक है। अगर हम लोग जीत जाते तो हमारी सारी बातें सच्ची हो जानी थी, ठीक है ना, क्योंकि इंडिया बहुत बार विनर रह चुका है, तो इस बार अगर पाकिस्तान विन रहा है तो कोई बात नहीं है। अच्छा। प्लेयर्स ने अच्छा खेला है, आपके न्यू प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन हमारी टीम बहुत स्ट्रांग है। आप मानते हैं कि पाकिस्तान ने अच्छा खेला? बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। सही है, थैंक यू। अरे चले हम एक बार चलते हैं पाकिस्तानी के पास, पाकिस्तानी भाई भी हमारे साथ खड़े हुए, हम उनसे पूछते हैं उनका क्या तासुरात है। ओके भाई, थैंक यू जी। दानिश भाई, अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान। तो आपने मेरे को तारुफ अपना पहले ही करा चुके थे, तो आप क्या कहेंगे कि जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ उसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल मैच हुआ और बहुत अच्छी तरीके से पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग लाइन और बॉलिंग लाइन बरकरार रखते हुए पाकिस्तान को फतह हासिल कराई, और हम इस बात में बहुत खुश हैं कि तमाम पाकिस्तानियों ने जश्न मनाया और बहुत ही खुशी के साथ जश्न मनाया। सही। तो ये जो कपूरा वगैरह की बात थी और जो अभी इंडिया पाकिस्तान के ऊपर चल रहा है, तो उसमें क्या कुछ? बिल्कुल सही बात है, अगर पाकिस्तान पे कोई बंदा उंगली उठाएगा तो ऐसी बात है पाकिस्तान के सिर्फ दाग उसमें उठाएंगे उन पर। सही। तो जिस तरह उन्होंने सवाल लिया था उसी तरह पाकिस्तानियों ने जवाब दिया है। सही, बस यही वजह। चले चले, सही है, ये बात तो यहीं ख़त्म हुई। अब मैं इंडिया और पाकिस्तान भाइयों से दोनों से पूछता हूँ कि ये लोग जीत हार की खुशी कैसे मना रहे हैं। तो एक्सक्यूज मी, आप इधर आएंगे थोड़ा सा जी सर। तो ये जो आप इंडिया पाकिस्तान का मैच आपने जो जीते हारे, तो आप लोगों को क्या मैसेज देंगे, जो इतनी बुरी बुरी बातें कह रहे हैं, तो उसके बारे में आप दोनों क्या कहेंगे? कि आप दोनों यहाँ पर किस तरीके से? मैं यही कहना चाहूँगा कि इंडिया पाकिस्तान एक दोनों स्ट्रॉन्ग टीमें हैं, माशाल्लाह फाइनल में दोनों आई हैं, तो हम ये नहीं बोल सकते कि पाकिस्तान अच्छी नहीं है या इंडिया अच्छी नहीं है। तो इंशाल्लाह कोशिश ये करनी चाहिए कि एक मैच को मैच की तरह खेला जाए, ना कि ये कहा जाए कि ये टीम जो है ये बाप बेटा, ये इस तरह की बातें गलत होती है। मैच को मैच की तरह खेला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, और ये दो हम लोग आपस में मुल्क हैं, आपस में रहेंगे तो अच्छी बात है। देखिए हम लोग किस तरह भाई बन, देखिए ये देखिए, ये देखिए पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बीच में पाकिस्तान जीता, तो ये दोनों इंडियन पाकिस्तानी भाई किस तरीके से, और आप लोग सोशल मीडिया के ऊपर इस तरीके की वाहियात बातें कर रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं आपको दाद देता हूँ कि किस तरीके की बात कर रहे हैं, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। चले से कैमरा मैन नुमान मोहम्मद नुमान शाह के साथ इंडिया एंड पाकिस्तान, गुड।